नमस्कार एवरीवन, आशा करता हूं एवरीवन इज फाइन। एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? आप सभी को मैंने कहा था कि देयर आर एट पार्ट ऑफ स्पीच। उसी पार्ट ऑफ स्पीच में से जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, ये सब के बारे में, ये सब के डेफिनेशन आई हैवंट टोल्ड यू ऑल। सो आई एम गोइंग टू tell you all what is the definition and what is the explanation of that noun. So at the first, I'm not going to spend your times and I'm going to tell you all what is noun. Noun is the name of person, place and animal or things. इसका मतलब क्या है? अब हिंदी में होता है यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या तो स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। उदाहरण में लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि पर्सन। पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति का नाम। किसी व्यक्ति का नाम क्या है? राम, लखन, जो भी है वो होता है। आप इंसान का नाम जो भी हो, राम, अभिषेक, श्याम, लाल, भारत, जो भी हो, किसी का नाम व्यक्ति का नाम। लड़की हो या लड़को, व्यक्ति का नाम होना चाहिए। आप नंबर टू आता है थिंग्स। थिंग्स का मतलब क्या होता है? चीज का नाम, वस्तु के नाम। चेयर हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, वॉच हो सकता है, एनीथिंग्स। अब चीज का नाम हो सकता है। अब जगह का नाम क्या है? दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, क्या ये कैसे है? ये सब क्या है? जगह के नाम। हो गया, समझ में आ गया होगा सबको। तो अब नंबर सेकंड आते हैं, क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये प्रोनाउन को क्या कहेंगे हिंदी में? हम सर्वनाम तो कहते हैं ना। अब ये सर्वनाम क्या होते हैं? ये सर्वनाम है ना, क्या संज्ञा के स्थान पर हम इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि व्यक्ति का नाम क्या है? व्यक्ति। अब जैसे कि मैंने कहा कि एक लड़का को, वह एक लड़का है, तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही इज अ बॉय। क्या कहेंगे हम? ही इज अ बॉय। तो मैंने क्या उस लड़के को क्या कर दिया? मैंने ही बना दिया। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो लड़की को कहेंगे तो शी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया? सी इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन, ही इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नंबर थ्री आते हैं, क्या? वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। मैं आप सभी को ये क्या दिखा रहा हूं? एक्शन दिखा रहा हूं। मैं बोल के दिखा रहा हूं। तो ये क्या हो गया? एक्शन, क्रिया हो गया। ये मैं क्या कर रहा हूं? खा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं चल के जा रहा हूं, मैं गाना गा के दिखा रहा हूं। तो ये सब क्या हो गया? एक्शन वाले बातें। तो खाना, पीना, धोना, हंसना, रोना, जो भी है, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड, दैट इज कॉल्ड वर्ब। क्या कहेंगे? वर्ब, क्रिया। इसे क्या कहेंगे आप? क्रिया। तो मैं थोड़ा सा आप सभी को हिंदी में समझा दे रहा हूँ, थोड़ा स्लो वाइज, अच्छी तरह से, ताकि आप सभी को अब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मेरे प्रियो बच्चो, यू कैन अंडरस्टैंड अ वेरी बेटर वेज, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए बस। अब नंबर और दूसरा आते हैं, क्या? एडवर्ब। एडवर्ब इज वर्ड दैट इज यूज व्हेन और वेयर द एक्शन हैव टेकन प्लेस। एडवर्ब कब और कहां इस्तेमाल किया जाता है? एडवर्ब, जैसा कि द फार्मर हैव वॉक इन द सन। कहां पर काम किया था? सन में। वो किसान कहां पर काम किया? धूप में। इतनी सारा धूप में उसने काम किया था। जो आप एडवर्ब का मतलब होता है क्या है? क्रिया विशेषण, कब और कहां जो कार्य हुआ था, हुआ है, हो चुका है, उसे क्या कहेंगे हम? एडवर्ब। जैसे कि वो किसान धूप में काम किया था। कहां पर काम किया था? धूप में काम किया था। He was a brave boy, something like this, ना? तो brave boy, all these things, जैसे कि वो बहुत जल्दी से कर रहा था। So he was in hurry, quickly. तो ये सब क्या हो गया? एडवर्ब। अब नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? ये भी क्वालिटीज ऑफ क्वालिफाइंग, क्या क्वालिफाइंग द क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, कितना बड़ा, कितना मोटा, कितना पतला, कितना लंबा, कितना चौड़ा, ये सब को बोलेंगे हम क्वालिफाइंग द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड साइज, कलर। अबे कौन सा कलर है यार ये? मुझे तो पिंक पसंद है भाई, मुझे तो ब्लैक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये सब क्या कहेंगे? एडजेक्टिव में आता है। ये एग्जाम्पल हो गया एडजेक्टिव में। ओके, तो सारा डेफिनेशन में यहां पर दे चुका है ऑल थिंग्स, एंड यू पीपल हैव टू नोट इट डाउन एंड यू हैव टू करेक्ट इट एंड यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी एंड लेके रखेंगे और समझने के प्रयास करें आप सभी लोग। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज बिफोर अ नाउन। प्रीपोजिशन नाम के संज्ञा के पहले इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि कैट इज अंडर अ टेबल्स। ओ बिल्ली कहां पर है? अंडर टेबल। जो कि मैंने क्या किया? मैंने अंडर, अंडर, अंडर क्या हो गया?
उसके नीचे, तो अंडर क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन, बिहाइंड डोर, दरवाजे के अगल बगल में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बिहाइंड डोर, तो ये भी एग्जाम्पल ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन। फॉरवर्ड आगे, बिहाइंड, अंडर, ऑन, ऑफ, ये सब क्या है एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशंस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, वो है क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट यूज टू जॉइन अ फ्रेज और अ सेंटेंस। ये कुछ बातों को क्या करता है, एक बात को दूसरे बात में जोड़ देता है। मैं तो बहुत अच्छा लड़का था लेकिन आलसी हो गया था। अरे क्या हो गया पता नहीं, आलसी हो गया था, तो मैंने क्या किया, मैं बहुत अच्छा लड़का था लेकिन आलसी हो गया था। ही वॉज अ गुड बॉय बट लेजी, लेकिन, परंतु, किंतु, क्योंकि, क्यों, ये सब मैंने बातों को जोड़ दिया, और, तो, why, that, and, so, ये सब क्या है एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन, सॉरी सॉरी क्या, कंजंक्शन का, किसका, कंजंक्शन का। अब एट लास्ट में आते हैं क्या, इंटरजेक्शंस। अरे बाप रे, फिर से बोलने सर, अरे इसको क्या हो गया भाई, ये तो अच्छा खासा चल रहा था, इसका कैसे ऐसे विनाश हो गया भाई, what happens, क्या बात है, क्या खूबसूरत फूल है, wow, what a wonderful flowers, I really want to pluck it, मैं तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत है। अचानक आपको जब भी कुछ भी बातें महसूस करा देने वाली बातें को क्या कहेंगे हम, इंटरजेक्शन। क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन, wow, कितना खूबसूरत फूल है, wow, कितना अच्छा गार्डन है, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरजेक्शन। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, और आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, दैट योर टीचर्स इज टीचिंग यू समथिंग्स ऑन वेरी डिफरेंट वेज, अलग तरीके से मैं पढ़ाता हूं। देखो मैं हर सभी लोग टीचर लोग विभिन्न प्रकार से पढ़ाते हैं, मैं भी अलग अलग प्रकार से पढ़ाता हूं। थैंक यू सो मच, आशा करता हूं आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया उसके उदाहरण के साथ, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहे, साफ सुथरा रहे और हमेशा एक्टिव रहे, स्वस्थ एक्टिव। Thank you so much. Have a nice day to you all. Best of luck for your future.